हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आई नो एकदम न्यूड वीडियो में शूट कर रहा हूँ, आई मीन एकदम अनप्रिपेयर्ड शूट कर रहा हूँ, बट एक्साइटमेंट फुल टैंग है, बाइक पूरी तरीके से रेडी है। कल मैं सुबह जा रहा हूँ एक राइड के लिए, अभी इधर ही एक लाइट है तो मैं इसके लिए ऐसा शूट कर रहा हूँ। एज यूजुअल हर एक राइड से पहले मैं मेरा बाइक को पूरी तरीके से रेडी करता हूँ, तो इस बार भी मैं जो भी चीज़ें फिक्स करने का तो मैंने फिक्स करके रखा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक अपडेट दे देता हूँ। तो फिलहाल ऐसा बाइक का अपडेट है कि मैंने जो टायर अगर है वो निकाल दिया है। इतना बकवास प्रोडक्ट मैं आज तक नहीं यूज़ किया, वो लूज़ हो गया था, टाइट करने के चक्कर में मेरा 2-3 घंटा गुजर गया उसमें। ये देखो टाइट करने के लिए मैंने ये बेसिकली उस पर लगा था बोल्ट, ये देखो ये पूरा ऐसा मुड़ गया है देखो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने के वजह से। तो मैंने दूसरा वाला लिया तो दूसरा वाले का खड्डा छोटा हो गया, तो उसकी वजह से ये भी लगा नहीं पाए। तो मैंने मैकेनिक को बोला कि वो निकाल ही दो, अभी कल के राइड पे पूरा चीकर उड़ गया, सिर पे लगे, बट ठीक है। बट वो कहने के टायर अगर थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उसका है ना किधर तो नीचे वाला पार्ट इधर लगता है, ये सेंसर है और उसका दो ऐसा एक पकड़ रहता है, तो ये लूज़ हो जाता है ना ऐसा घुस जाता है इधर सेंसर के ऊपर। ओके गाइस, दूसरा एक और मैंने सामान बाइक के लिए लिया है, वो है ये छोटा सा कैन। ये बेसिकली बाइक के फ्यूल के साथ मिक्स करके डालना पड़ता है, ये डालने के बाद बाइक का ओवरऑल माइलेज, परफॉर्मेंस एंड इंजन का जो ज़्यादा हीट होता है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये अभी मैं बाइक को फ्यूल भरने के लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा डालने के बाद सीधा के फ्यूल भरूंगा, तो सुबह सीधा निकल जाएंगे। ओके, बाइक का फ्यूल है, टोटल रेंज 190 किलोमीटर्स बता रहा है, 3 डंडी तो कम है बट स्टिल हम थोड़ा सा फ्यूल टॉपअप कर सकते हैं इसमें। तो ये जो मेरा कैन मैंने लिया ना, इसको डाल के फ्यूल टॉपअप कर देंगे। गाइस बाहर आया नहीं कि बारिश चालू भी हो गया, और मैं ज़रा इसका ट्रिप मीटर को रीसेट कर देता हूँ, नहीं तो मैं कल भूल जाऊँगा। ठीक है, बस ट्रिप 1 को रीसेट कर देते हैं, हो गया रीसेट, और ट्रिप 2 को भी रीसेट कर देंगे, तब कल मैं सुबह भागन दौड़ में मैं भूल जाऊँगा यार, अभी तो बिक के जाना पड़ेगा। फ्यूल टॉपअप कर लिया है मैंने, अभी 290 का रेंज बता रहा है ये देखो, और मैंने ट्रिप 1 और 2 दोनों रीसेट कर लिया है, क्योंकि सुबह इतना हड़बड़ी में रहता ना, चीज़ें भूल ही जाता हूँ, तो अभी सीधा सुबह मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 4:30 एंड मैं पूरी तरीके से रेडी हो गया, बाइक भी पूरी तरीके से रेडी है, मैं बस मेरे दोस्तों के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं लेट करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार जल्दी उठ के बाइक वगैरह रेडी करके रेडी होकर इधर वेट करेंगे, जब वो लोग निकलेंगे मैं सीधा मीटिंग पॉइंट में मिल जाऊंगा उन लोगों को। थोड़ा थोड़ा आंखों में नींद अभी भी है, क्योंकि मैं कल रात को एडिट कर रहा था और मैंने वीडियो अपलोड पर भी डाल दिया, शेड्यूल डाल के रख दिया है, तो इसके लिए मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, बट एक्साइटमेंट फुल ऑन नेक्स्ट लेवल है। ओके गाइस फाइनली, भाई साहब अब जाके हम लोग, बाइक चल रही है मेरी। सो आज के जर्नी पे हम 4 लोग जा रहे हैं, इधर ही इधर रुके हैं वो लोग। हाँ भैया, ओ हाय संकेत, ठीक हो भाई, चले। अबे तो ऐसे खड़ा रह सकता हूँ ना मैं, अबे चल 2 इंच का है मेरा। ओके गाइस, हम लोग ऑफिशियली अभी निकल गए, ये देखो हम लोग डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट भी हो गए, ऐसा सस्ता इंटरकॉम यूज करके मजा आ रहा है। हाँ अभी जाके हवा लग रहा है तो मेरे को थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा है। अबे मैं म्यूट कैसा करूँ इसको अभी, ओह क्या कीचड़ उड़ रहा है मेरा वाइजर पे, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है भाई साहब। डिस्कॉर्ड का जुगाड़ अच्छा था बट हाई स्पीड में काम नहीं करता, बस इतना ही प्रॉब्लम है, कीचड़ उड़ा दिया मेरे पे। ओके गाइस, ऑलमोस्ट 2 मिनट का रास्ता ही बचा है, हम यश से मिलने वाले हैं एंड उधर रुक के मैं मेरा ग्लव्स वगैरह डालूंगा और डिस्कॉर्ड सेटअप ठीक करूंगा मैं, बट एक बार इसे डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरे को अगर फ़ोन आएगा ना तो इसमें दिखेगा नहीं, बट घड़ी है ना अपने पास। अरे इधर ही जाते हैं और क्या, आवाज़ आ रहा है क्या हुआ, मेरा
ईयरफोन नहीं, ये स्क्रीन से कनेक्टेड है मेरा फोन इसके लिए। हाँ और फोन इससे और फोन भी मेरा स्क्रीन से कनेक्टेड है। हाँ और डिस्कॉर्ड किधर चल रहा है फिर? फोन से, फोन भी उससे कनेक्टेड है। हम लेट आए तो तू भी लेट आएगा। किधर? अरे उधर एक 390 खड़ा, हम उसको बुला रहे हैं, आजा आजा आजा। पॉइंट से डिस्कॉर्ड से कनेक्ट कर लेना, नहीं तो एक काम कर ब्रेकफास्ट पॉइंट में जाकर कनेक्ट कर दे। अरे बाप रे क्या फीचर टूट रहा है। वाइजर बंद कर लो सब लोग। ओहो क्या हरियाली है, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। राइट कर ओके। हमें संकेत 1 किलोमीटर दूर है अपने से। संकेत जल्दी आ। ओ वाह, ने दो टेबल एक साथ ले लिए और इधर पूरा हमने सामान फैला दिया और अभी हम सब उधर बैठेंगे, ऑर्डर वगैरह सब कर लिए, अभी मस्त ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मिलते हैं। मेन दो बड़ा सादा डोसा किस वजह से दे दे उसको एंड में दे रहे हैं। गाइस चारों बाइक एकदम मस्त पार्क कर दिया है, क्या सेक्सी लग रहा है। अभी इधर हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी इधर निकलने का प्लान है। ऑलमोस्ट 1 घंटा दिखा रहा है, अभी उधर जाके थोड़ा और एक्टिविटी है। ओए ओए राइड के लिए जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता ही, बट ऑल्सो एक और रीज़न है एक्साइटमेंट का, वो है मैंने मेरा कल व्लॉग शेड्यूल पे डाला था 9:30 को, अभी 9:51 हो गया। ओ भाई क्या टर्न है। तो अभी तक तो व्लॉग रिलीज हो गया रहेगा, अभी मेरे पास इधर इंटरनेट नहीं है करके मेरे को किधर नोटिफिकेशन नहीं आया, बट एक बार किधर रुक के चेक करूँगा कि रिलीज हुआ कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो 9:30 का AM का गलती से मैं PM डाल देता हूँ। सोचो एक व्लॉग रिलीज हुआ और दूसरा व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, यही एक मोटिवेशन चाहिए मेरे को। ये काफ़ी नॉर्मल है आई नो, बट मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ओहो व्यू तो देखो। हेवन में पहुँच गए हम, हेवन में। अरे जा सकते जा सकते। अरे चल एडवेंचर बाइक है अपने पास। नहीं नहीं नहीं, वो उनका केयर टेकर रहते हैं ना, वो लास्ट टाइम हाँ। तो बोले थे हम लोग को बाहर लगा। अच्छा ये किसका घर, किसका ये? ओहो हो क्या पैलेस है। चलो एक अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं, ये चला भी गया। लेट्स गो। अरे आप ये देखो गाइस, मेरा GoPro बंद हो गया, नहीं तो मैं ना उधर से जो एंट्री हम लोग ने मारा था ना, क्या अलग ही व्यू में दिख रहा था ये। ओके गाइस अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ जो स्पॉट में हम लोग जिधर डैम के इधर खड़े थे उससे। तो अभी हम लोग का प्लान ऐसा है कि हम अभी मैगी कुक करेंगे, तो इलेक्ट्रिक का एक कुकर है मेरे पास, बट हमें एक ऐसा स्पॉट चाहिए था जिधर हम रुक के कुक कर सकते हैं। तो मैं एक शेड ढूंढ रहा था तो मेरे को एक बेस्ट शेड मिल गया, ये देखो इधर दिख रहा है। तो मैं इधर जाने का सोच रहा हूँ, मैं उन लोग के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनकेस अगर हम शेड में नहीं रुकेंगे और कुक करने के लिए बीच में बारिश आ गया तो मेरा कुकर ख़राब हो जाएगा। ओके गाइस, सो अभी लास्ट इधर मैं रुका था वो एक्चुअली शमशान था, मुझे पता नहीं था, ये लोग आके मेरे को बताया कि वो शमशान लग रहा है, तो हम लोग सोचे कि उधर से हटते हैं। तो और थोड़ा आगे आने के बाद अपने को ये एक स्पॉट मिला, ये काफ़ी अच्छा स्पॉट, एक छोटा सा दुकान है और शेड भी मिल गया। और हम बहुत आगे गए थे उसके बाद वापस है, आगे एक मेन रोड टच हो रहा था एंड उधर से वापस आए और अभी इधर रुक के जो भी कुकिंग वगैरह करना है वो इधर करेंगे। मैंने सेटअप वगैरह बाहर निकाल दिया, अभी पूरा सेट करना है, मैगी बनाएंगे तो कुछ नहीं, बट वो जो एक्सपीरियंस है ना मैगी बनाने वो क्रेजी होने वाला है। ये देखो ये है अपना इलेक्ट्रिक कुकर और इससे हम कनेक्ट करेंगे इसको और ये लगाएंगे बाइक पे। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक कुकर। अपने को एक ही डब्बे में खाना पड़ेगा, एक ही स्पून है। चलेगा
ओ ये अपना बर्तन, ये डिश इस पर कुक करेंगे ऐसा। ओके गाइस, तो इधर से कनेक्ट करके अपना जो पावर सप्लाई है उधर लगा दिया और अपना ये इधर लगा दिया, क्योंकि सीट के ऊपर हम रख नहीं सकते, तभी इस पर रख के ऐसा कुक करेंगे। चल चालू कर दे। ठीक है, ये हो गया अपना ऑन, ये हो गया ऑन। इधर किधर पे लाइट है? नहीं यार, आया ना, ब्लिंक हो रहा है। अरे कुछ तो लूज, उसको बराबर नहीं जा रहा, ऑन ऑफ हो रहा है। हाँ रे, ऑन ऑफ हो रहा है। ओके गाइस, अनफॉर्चुनेटली प्लान थोड़ा सा फ्लॉप जा रहा है। आई फील जो पावर है बाइक का उतना इनफ नहीं है वो कुकर को हीट करने के लिए, तो हमने उसका पावर कम करके भी देखा बट उससे भी नहीं हो रहा है। तो अभी एक लास्ट ट्राई क्या कर रहे हैं ना, जितना पावर जा रहा है उसमें कम से कम गर्म हो रहा है कि नहीं वो देख रहा है बस। अगर गर्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कच्चा ही खा लेंगे मैगी और क्या। गाइस, इलेक्ट्रिक स्टोव से तो बना नहीं पाए हम, बट मैगी तो बना के रहेंगे। तो हमने कुछ गांव के लोगों को बोला हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा गैस ही लेके आ गए क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना। तो अभी मैं पानी का जुगाड़ करने जा रहा हूँ, हमारे पास बॉटल में है पानी, तो पानी लेके जाएंगे एंड कुक करेंगे। ओके गाइस, मिशन सक्सेसफुल, हम मैगी फाइनली बना पा रहे। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, अभी बस मेरे को वेसल लेके आना, थोड़ा सा उनको भी दे देंगे, थोड़ा सा हम भी ले लेंगे। अभी मैगी इतना मेहनत से बना ही रहे तो थोड़ा सा खा भी लेते। सौरभ उधर अपना सामान का देखभाल कर रहा है और यश मैगी बना रहा है और मैं उसके बीच में दौड़ रहा हूँ। हाँ, इसे पोल कर दे और होगा तो गर्म है। आप लोगों का नाम? साहिल। हेलो मिस प्रशांत जगदीश, यूट्यूब देखते हो? ये देखो टेस्टी टेस्टी मैगी लेके जा रहे हैं। जरा खोल, ऑडियंस को देखो कितना अच्छा मैगी बना। ये देखो वाओ, 200 किलोमीटर दूर आके मैगी बना रहे, वो भी किसी और के घर में। अच्छा बना, थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया बट ठीक है, पानी बहुत ज्यादा था। ओहो सही है, हम उधर से निकल रहे हैं। निकलते निकलते बहुत बारिश मिल गया, हमने पूरा रेनकोट वगैरह पहन लिया एंड अभी सीधा रोड पे फोकस करेंगे। ये रहा वो ब्यूटीफुल डैम जिधर हम रुके थे, कितना सुंदर है यार। आने के टाइम मेरा गोप्रो बंद था, नहीं तो मैं दिखाता कैसा इधर से हम नीचे आए थे और कैसा रिवील हुआ था, वो कितना क्रेजी लग रहा था वो। ओके गाइस, सो हमने पूरा अंदर का जंगल वाला रास्ता कंप्लीट कर दिया, हाईवे पे पहुंच गए। अभी बस एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के बैठना है। और जंगल वाला रास्ता कंप्लीट करते करते कितना किलोमीटर हो गया? 60 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 60 किलोमीटर का रास्ता है अंदर की तरफ। भाई साहब, इतना खुशी खुशी गया था, एंजॉय किया, मस्त रिलैक्स किया। वापस आने के टाइम कुछ रोड ठीक था, बाप रे, हाईवे में चढ़ने के बाद इतने गंदे पॉट होल्स, ओ माय गॉड। मैं लिटरली सौरभ का बाइक चला रहा था और मैं गिरते गिरते बचा एंड मैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों का एलॉय टूटा है, बहुत सारे लोग गिर गए। और उसके बाद मैं जैसे मैंने फ़ोन निकाला, काफ़ी सारे नुकसान हो गए मेरे। एक तो मेरा कैमरा का नुकसान हुआ, दूसरा जब मैंने बैग ओपन किया उसमें देखा तो ट्राईपॉड 2 टुकड़े में। लास्ट के किलोमीटर्स, ओ माय गॉड, हम लंच करके जैसे निकले मैं सोचा कि अभी तो इतना हम रेन गियर्स पहन के आए थे, तो मैंने सोचा कि अभी रेन गियर्स की ज़रूरत नहीं है, अभी बस कितना 20-30 किलोमीटर रहेगा और धूप है उल्टा, और मैंने रेन गियर पहना है, सौरभ ने भी नहीं पहना और हम राइड कर रहे क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था, रेन गियर के अंदर हवा नहीं जाता है ना, बट जाने के टाइम नहीं पहना। पूरा इतना जोरदार बारिश गिरा, रोड नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, पूरा हम भीग गए। लंच करने के टाइम बूट्स वगैरह निकाल के, सॉक्स वगैरह निकाल के साइड में सुखाने रखा था, अच्छा खासा सूख गया था एंड निकलने के टाइम सब कुछ गीला हो गया। मेरा जो कैमरे का लेंस है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है,
ये वाइड एंगल लेंस पे डाला है, मेन लेंस पे कुछ तो इशू हो गया मेरे फ़ोन के कैमरा में जिसमें मैं शूट करता सारी चीज़ें। और मैंने जब लंच करने के लिए होटल में मैंने बैग खोला था तो देखा तो ट्राइपॉड दो पीस में पड़ा हुआ है। हाँ।